हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाल रहा था, क्योंकि एक ही ब्लॉग डाला है मैंने फर्स्ट डे वन का, क्योंकि यहाँ पर नेट का बहुत इशू है। तो मेरे फ़ोन में 2 GB नेट मिलता है, तो इतना हो नहीं पाता है। तो आज डे 5 है और मैं अकेला ही बचाऊँ, सारे लोग चले गए हैं घर, क्योंकि उनकी बाउट हो गई है और मेरी बाउट, 2 बाउट मेरी वॉक ओवर हो गई हैं, पता नहीं कैसे। तो अभी मैं सीधा क्वार्टर फाइनल में खेलूँगा, आज शाम को लिस्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि कल मेरी बाउट किसके साथ है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेडियम में जाके देखते हैं भाई किसकी बाउट चल रही है, किसकी नहीं चल रही, ठीक है। और चलते हैं स्टेडियम, देखते हैं वहाँ पर। अभी बाउट्स बाकी हैं, चल रही हैं अभी बाउट, शाम के 5 बज चुके हैं। आज 5वां दिन है मेरा रोहतक में, ठीक है। तो यहाँ की भाई बहुत दिलदार लोग हैं यहाँ पर हरियाणा में काफ़ी, और बहुत तगड़े भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टेडियम के अंदर, हरियाणा की वाइब। तो वही पहुंच चुके हैं स्टेडियम। ये भाई बाहर बाउट चल रही है सीनियर की, और ये पूरा स्टेडियम है भाई। अंदर चलते हैं अंदर। दक्ष दिल्ली से है भाई, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा है दक्ष। अबे ऐसा ही पुणे से खेल रहा भाई। दक्ष रेड कॉर्नर, ASI पुणे, एंड ब्लू कॉर्नर आई डोंट नो कुछ। ये बहुत बहुत बढ़िया होने वाली है, मजेदार। तो भाई वर्कआउट ख़त्म हो गया है, अभी थोड़ा सा वर्कआउट किया था मैंने, तो बीच में वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल कूल डाउन सेट ऑफ बॉक्सिंग, कल हो सकता है मेरी बाउट हो, ठीक है। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और स्टेडियम अभी देखो भाई बढ़िया मस्त मॉल जम रहा है, लाइटें वाइटें हो रही हैं। तो अभी हम चलते हैं PG की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं PG, अभी थोड़ा सा वर्कआउट किया था। यहाँ पर बंदे जिनकी बाउट है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेडियम की भाई बहुत प्यारी है भाई, कैंपस बहुत सेक्सी है, ठीक है। तो चलते हैं भाई बाहर PG की तरफ, ठीक है। स्टेडियम बहुत प्यारा है पर भाई, बहुत प्यारा रात में का भाई, बहुत प्यारा सीन है यार, मतलब रात में भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है यार, NBA मतलब फेमस है, नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी, इंडिया के इंटरनेशनल एशियन मेडल्स सब यहीं प्रैक्टिस करते हैं। मेरा भी एम है यहाँ पर प्रैक्टिस करना, बट उसके लिए मुझे नेशनल में मेडल मारना पड़ेगा। तो भाई नवंबर में सीनियर नेशनल है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए हो सकता है मैं सीनियर नेशनल जाऊँ इस बार। ये तो ओपन नेशनल था, ठीक है, बहुत प्यारा बना रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ये देखो भाई बहुत क्या लग रहा है भाई, रात में भी नाइट में बहुत बढ़िया मस्त एकदम, बहुत प्यारा कैंपस है यहाँ पर। ये बॉक्सिंग हॉल है जहाँ पर हमारी अंदर बाउट हो रही है, और यहाँ पर इधर की तरफ गोल्फ एरिया है, आगे सामने की तरफ सामने गोल्फ एरिया है, और उधर की तरफ है तुम्हारा जैवलिन थ्रो, और 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक है पूरा, और उधर भी वहाँ पर जूनियर की बॉक्सिंग भी होती है। तो यहाँ पर 3-4 रिंग है, एक पीछे है जो है वो इंटरनेशनल, आप जितने भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। Oh,
यहाँ से निकलते हैं भाई। दोपहर में तो सही है रास्ता, लेकिन रात में यार थोड़ा सा हॉरेबल है भाई। और वो भी अकेले, यहाँ पर तुम रात में 12 बजे तो तुम आ ही नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा हॉरेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब आवाज़ें सुन रहे होगे तुम साइड में, ये उसकी आवाज़ है, बिच्छू की और पता नहीं किस किस की आवाज़ है भाई। भाई जल्दी से पहुँचते हैं पीजी और देखते हैं क्या बना है पीजी के अंदर, ठीक है। टाइट वाइट लेते हैं यार, फिर उसके बाद वीडियो भी एडिट करनी है मुझे, वीडियो एडिट करके सो जाते हैं भाई बढ़िया। फिर कल सुबह फिर से उठना है भाई, प्रैक्टिस करनी है, देखना है शाम को लिस्ट पे नंबर आया या नहीं आया। ओह फाइनली भाई ये रास्ता निकल गया, हम मेन रास्ते पे आ गए। ओह चलो मिलते हैं पीजी के अंदर।